चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम दो स्टेट के फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन के शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, जिनका फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आ चुका है। तो सबसे पहले हम झारखंड स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो झारखंड स्टेट में दो बार रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले स्टेट मेरिट प्रिपेयर करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड एक क्लोज स्टेट है, यहाँ पर फर्स्ट राउंड में भी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ओपन तो होते ही होते हैं, सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, मॉपअप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन होते हैं। यहाँ पर जो सेकंड राउंड भी ऑनलाइन होता है, फर्स्ट राउंड भी ऑनलाइन होता है, मॉपअप राउंड भी ऑनलाइन होता है। तो यहाँ का हम एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेट मेरिट प्रिपरेशन के लिए जो शेड्यूल दिया गया है वो देख लेते हैं। उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी करना है और ये रजिस्ट्रेशन फीस भी डिपॉजिट करनी है। उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस भी डिपॉजिट करनी होगी। तो सबसे पहले हम देखें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का जो डेट है वो 19 जनवरी 22 से आज स्टार्ट होना है और इसकी लास्ट डेट 26 जनवरी 22 रहेगी। इसमें इसके बाद में जो प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी वो 30 जनवरी 22 तक आ जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रेज कर सकते हैं 30 जनवरी से लेके 31 जनवरी 22 तक। इसके बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी वो मेरिट लिस्ट 2 फरवरी 22 तक पब्लिश हो जाएगी। जो इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो जनरल EWS BC1 BC2 कैटेगरी के लिए 500 रुपीज है। SC ST फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी की कोई भी हो फीमेल कैंडिडेट उनके लिए 250 रुपीज है। इसमें दिव्यांग कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये तो हो गया आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेट मेरिट प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको नीट स्कोर कार्ड अपलोड करना है। इसके बाद में जो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन 4 फरवरी 22 को स्टार्ट हो जाएगा और उसी दिन से च्वाइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 9 फरवरी 22 रहेगी। इसमें सीट अलॉटमेंट और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 22 तक। तो ये हो गया इसका शेड्यूल फर्स्ट राउंड का। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 14 फरवरी से 19 फरवरी 22 तक होंगे। इसमें अब जो इसकी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग फीस रहेगी वो जनरल EWS और जो BC1 कैटेगरी है, BC2 कैटेगरी के है उसके लिए 1000 रुपीज होगी। SC ST2 फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज रहेगी। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहां पर 500 रुपीज फीस रहेगी। अभी आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जो 19 जनवरी से स्टार्ट होने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए आप ऊपर ही ऊपर आपको लिंक मिलेगा, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCE CEB 21। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पोर्टल आपके पास में देखने को मिलेगा। यहाँ पर काउंसलिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टेट कोटा सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ नीट UG 21 रिजल्ट लिखा हुआ आएगा, बाकायदे डेट आएगी 19 से 26 तक और क्लिक हेयर टू रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ये ऑप्शन दिया नहीं गया है अभी तक, लेकिन ये कुछ ही देर बाद में ये ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहां से क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टेट मेरिट के लिए। जैसे ही आपकी स्टेट मेरिट प्रिपेयर हो जाएगी, फिर फर्स्ट राउंड के लिए जो ऑनलाइन शेड्यूल दे रखा है 4 फरवरी से, तो आपने यहां क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे आपको काउंसलिंग पोर्टल दिखाई देगा। वहां से आप रजिस्ट्रेशन करके फीस डिपॉजिट करके फर्स्ट राउंड के लिए च्वाइस फिल करेंगे। तो ये झारखंड स्टेट के लिए किस प्रकार से क्या शेड्यूल है और आपने रजिस्ट्रेशन करना है इसमें। तो ये फर्स्ट राउंड का शेड्यूल अभी तक जारी हुआ है झारखंड स्टेट का। तो जो झारखंड के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट हैं वो यहां अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर स्टेट के लिए ये क्लोज स्टेट है।
अब हम बात करते हैं आगे एमपी स्टेट की। तो मध्य प्रदेश स्टेट ने एक बार काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया था, उसके बाद में वापस पोस्टपोन कर दिया था। उसके रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टार्ट है। फिर से उन्होंने जब एनएमसी ने जारी कर दिया है शेड्यूल स्टेट के लिए, तो फिर से ये शेड्यूल जारी किया है। तो एक बार देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड राउंड का शेड्यूल इन्होंने जारी किया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड का शेड्यूल देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी तक ओपन है, जिनकी लास्ट डेट 21 जनवरी 2022 रखी गई है, यानी कि आप रात 12 बजे तक ये फॉर्म 21 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं एमपी स्टेट कोटा का। इसके बाद में सीट मैट्रिक्स आ जाएगा 20 जनवरी को, और इसमें स्टेट मेरिट लिस्ट जिन्होंने रजिस्टर किया है उनकी 22 जनवरी को लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप चॉइस फिल कर सकते हैं 23 से लेकर 27 जनवरी तक। रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा फर्स्ट राउंड का 31 जनवरी 2022 को। इसके बाद में रिपोर्टिंग होगी 1 फरवरी से 7 फरवरी 2022 तक। इसके बाद में जो ऑनलाइन ये जो रेजिग्नेशन है वो कैंसिलेशन है वो 1 से 7 फरवरी तक कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है एमपी स्टेट का। मैं आपको फिर से बता दूं कि एमपी एक सेमी क्लोज स्टेट है। यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट एडमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन पहले एमपी स्टेट के कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद में अगर सीट वैकेंट रहती है तो फिर अदर स्टेट कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पर एक ही टाइम फर्स्ट और सेकंड के लिए एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में अदर स्टेट कैंडिडेट कंसीडर नहीं किए जाते हैं, सेकंड राउंड से कंसीडर किए जाते हैं। इसमें इसके पहले भी मैं इसका वीडियो बना चुका हूं। इसके बाद में हम सेकंड राउंड के एक बार बात कर लेते हैं। तो सेकंड राउंड की जो पब्लिकेशन वैकेंसी सीट चार्ट आएगा वो आएगा 10 फरवरी 2022 को। मैं आपको पहले बताया है मैंने कि इसमें सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, और सेकेंड राउंड में इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन फ्रेश चॉइस फिल होंगी इसमें 11 फरवरी से लेके 14 फरवरी 2022 तक। इसके बाद अलॉटमेंट होगा सेकेंड राउंड का वो 18 फरवरी को आ जाएगा, और इसमें रिपोर्टिंग होगी 19 से 24 फरवरी 2022 तक। तो ये एक फर्स्ट और सेकेंड राउंड का शेड्यूल है। अब मैं